मुझे बताएं ये, बिल्कुल आप मेरे साथ चलते रहे, इसलिए मैं चाह रहा था आप एकदम बात साथ करें, चलेंगे क्योंकि आपको सर सुनने का, हाँ मुझे आपको सुनने का मजा आ रहा है। सनातन धर्म में सबसे ऑथेंटिक रेफरेंस कौन सा है? जैसे वेदास आधार कार्ड है ना, ऐसे सबसे ऑथेंटिक कौन सा है? वेदास यस, तो उसके अंदर मुझे बताएंगे डिटेल्स किधर है। सर पुराणस में वो तो ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि वो तो आधार कार्ड के कंपेटेबल नहीं है। आपकी मिसाल सबसे के बाद सर 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 मैं अपनी मिसाल से बता रहा हूं कि वेदास जो है ना वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है। मैं फिर से उसी जगह पे रहूंगा, नहीं, मैं डिस्चार्ज ऑथेंटिक, सर्टिफिकेट देखिए है मेरी बात, देख मेरी बात सुने सुने सुने, सर। डिस्चार्ज पे भी आ जाएंगे, डिस्चार्ज पे आ जाएं तो मैं सर उस मिसाल से, क्या मैंने उस मिसाल डिस्चार्ज पे बात कर लिया। सर्टिफिकेट विकास भाई, विकास भाई, सर विकास भाई, सर एक मिनट मैं मेरा मान क्वेश्चन लिया, है, मेरा क्वेश्चन है। मैं आप मेरी आप बात ही सुन तो लेना, मेरी बात सुन ले विकास भाई, एक आप मिनट लेंदी कर, एक आप मिनट। खुद का वीडियो लेंदी कर रहे, करिए करिए नहीं, मैं लेंथी नहीं कर रहा, मैं आपसे आप उसी बात को करने लगा जो पहले हुई हुई है। मान लेते हैं वेदास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, मान लेते हैं, ठीक है, बर्थ यस। सर्टिफिकेट क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका आधार कार्ड है। नहीं, बर्थ वेदास है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? उपनिषद है ना, पुराना पुराणस है, हाँ नहीं पुराणस आधार कार्ड हुए ना फिर तो। सर, आधार कार्ड कैसे हुआ? आधार कार्ड तो बहुत बाद में है। देख नहीं आधार कार्ड अच्छा, एक तो मिनट, यानी बर्थ सर्टिफिकेट पुराणस है सर्टिफिकेट पुराना है। और आधार कार्ड क्या होगा? आधार कार्ड जो अभी लिखा जा रहा है, अभी मैं किसी चीज को मिला के ऑथेंटिक बना दूं और सबको मान ले कि वो ऑथेंटिक है, तो नहीं बस नहीं वही मैं धर्म, पुराना नहीं, मेरे साथ आधार विकास कार्ड। भाई आप समझे नहीं, मैं सॉरी चाहता हूँ, मैं समझ जाता हूँ अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका। मैं शास्त्रों को इन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार तरतीब दे रहा हूँ, तो आप किस वेदाज तो में मैं हो तो गए वही कर रहा हूँ डिस्चार्ज सर। सर्टिफिकेट, वेदाज हो गए, यार वो शोर आ रहा है विकास भाई, शोर बहुत आ रहा जी, मैं आप थोड़ा सा बाहर निकल, मैंने दूसरे रूम में चले जा रहा हूँ। है। हाँ दूसरे रूम में चले जाएं कृपया, शुक्रिया, जी, साइड पे आ पूछो जाएं, फिर मैं बात बोले। शुरू करता हूँ। जी मैं हाँ बोलता बोले हूँ, ना। देखें पहली जो पहला जो उदाहरण था उसमें ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट की बात की गई, तो वो आधार कार्ड के इक्विवेलेंट जब मैंने सनातन धर्म में पूछा तो आपने कहा सबसे ऑथेंटिक वेदास है, फिर आपने कहा नहीं वेदास के बाद पुराणास है, मैं चूंकि ऑथेंटिक यस मान रहा सर था उस पर, आपने कहा कि फिर दोबारा आप अपनी पुराने उदाहरण पर आया, आपने कहा कि मैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मानता हूँ वेदास को, मैंने कहा ठीक हो गया, मैं उसमें भी आपके साथ हूँ। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बाद कौन सा बर्थ सर्टिफिकेट आएगा थोड़ा बता दें, आपने कहा पुराणास, पुराना नहीं हालांकि हाँ हालांकि बीच में उपनिषद है, उपनिषद को सर, आप पुराना डिस्चार्ज सर, सर्टिफिकेट मानते हैं? पुराना सर। नहीं, उपनिषद को कौन सा डॉक्यूमेंट मानते हैं? आई उपनिषद को कौन सा कांट डॉक्यूमेंट मानते हैं? सर, उसके बाद बहुत से डॉक्यूमेंटेशन आए। नहीं ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, ड्राइविंग नहीं लाइसेंस नहीं वो हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस तो आधार कार्ड के बाद बनेगा ना, क्या आधार कार्ड से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनता है? पहले ही बनता है। ड्राइविंग लाइसेंस पहले बनता है। ड्राइविंग लाइसेंस पहले बन जाता है, चले ठीक हो गया। नहीं, है पहले नहीं बनता है, पहले पहले बनता था। अब आधार कार्ड आया है तो सर, अभी पहले पहले तो आधार बनता था, कार्ड थी तो बनता पहले का है। किताब लिखा हुआ है, हाँ वो तो मैं भी नहीं, बोल रहा हूँ। हाँ वही बोल रहा हूँ, मिक्स वही कर रहे मैं हैं, बोल सॉरी रहा मिक्स हूँ। कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, दोबारा दोबारा वापस आए। अभी का मुझे सिस्टम बताएं, पहले डिस्चार्ज लेटर बनता है, सर्टिफिकेट बन जाता है, फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, फिर आधार कार्ड बनता है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा ही है ना, हाँ यही तरतीब है ना? यस सर। हाँ, आधार कार्ड, पासपोर्ट हाँ, तो वो सारी चीजें। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस और मिसाल, इंडिया का एक है जो नेशनलिटी जो होता है वो भी बनता है, और जो पता नहीं कुछ, और बस भी उसी नाम पर शास्त्र भी रखते जाते हैं, अभी ऐड ठीक करते है हैं ठीक है। आप मनुस्मृति को भी ऐड करते हैं। हाँ अच्छा चलिए ठीक मैं है ये ठीक। जानना चाह रहा हूँ, वेदास जो है वो बर्थ सर्ट अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो गए, उसके बीच में उपनिषद आती है, उपनिषद कौन सा सर्टिफिकेट है? सर एक्चुअली अब आप समझना नहीं चाह रहे हैं, आप समझ नहीं रही, ऐसा नहीं है, आप समझना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आधार कार्ड बहुत बाद में आया, तो आज आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये तो उपनिषद इससे पहले लिखा जा चुका, आज तो उपनिषद नहीं लिखा जा रहा है, तो आज से एग्जाम्पल उसको नहीं ले सकते ना, लॉजिकली आज से उसको एग्जाम्पल नहीं यानी ले आज सकते हैं। आज जितने बच्चे पैदा होंगे उनको डिस्चार्ज लेटर नहीं मिलता, ऐसा ही है, तो क्यों नहीं मिलता है? फिर वेदास को भी छोड़ देना, वेदास भी तो उस समय पे थी। वेदास तो सब, वेदास को हम लोग स्टार्टिंग, अगर आप अभी का क्रोनोलॉजी के हिसाब से बात कर क्योंकि रहे क्योंकि हैं तो मैं फिर से आपने समझा रहा हूं उपनिषद को, क्योंकि आपने सर, उपनिषद को फिर निकाला से है, मैं समझा रहा हूँ आपने सर, कहा कि मैं आज फिर का से समझा रहा सिस्टम है। हूँ सर, माफी चाहता हूँ, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको कि जी 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 थैंक यू। आपने एग्जाम्पल मेरे से पूछा कि डिस्चार्ज या वेदास ऑथेंटिक है, तो उसके हिसाब से कैसे कैसे क्या क्या है, तो मैंने आपको बताया कि पहला चीज है वेदास, उसके बाद आया पुराणास, फिर उपनिषद वगैरह, उसके बाद आते गए बहुत से चीज आते गए,
ठीक है, और आधार कार्ड क्या हुआ, इन सब का कंक्लूजन करके जो एक्चुअल है उसको दे दिया गया और अब आधार कार्ड बन रहा है। बात समझ रहे हैं? ऑथेंटिक क्या है अब डिसाइड होगा, वो उस समय डिसाइड नहीं होगा। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले का आप डिसाइड करके नहीं पूछ, क्योंकि 10 साल 20 साल पहले आधार कार्ड भी नहीं था। आधार कार्ड जब अब बना ना, तो अब डिसाइड होगा कि ऑथेंटिक क्या है। अब वो तर्क और लॉजिकल पर डिसाइड होगा कि एक ही चीज सब में होना चाहिए। तो अब हमसे पूछिए कि एक ही चीज क्या क्या चीज में है, मैं बताऊंगा कि ये ऑथेंटिक है। अब इससे क्या क्या चीज एक मिलता है वही ऑथेंटिक होगा, और अदर कोई ऑथेंटिक नहीं होगा। अब आगे पूछिए। मैंने आपके सामने क्रिस्टल क्लियर ये बात पूछी थी कि सनातन धर्म में द मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट क्या है, आपने कहा वेदास। मैंने आपको अगर आपने, मैं उसको फर्क बताता हूँ, जरा समझे विकास भाई, विकास भाई इसको कंक्लूड करने लगे हैं, मैं फिर आगे कुछ कॉलर्स हैं उनके पास चलूंगा, 3 घंटे से ऊपर हो गया। आपने जो बात रखी है ना, वो सिर्फ एक मिसाल पर टिकी हुई है, मेरी बात सुने। दो चीजों में ये समझिएगा, मैं क्रक्स निकालने लगा हूं। सनातन क्या है, मैं क्रक्स निकालने लगा हूं विकास भाई, उसके बाद आप कंक्लूड। नहीं नहीं, आप मुझे ये बताया कि मेन टॉपिक ये है कि आप सनातन वर्ड कहां से आया, या मेन टॉपिक ये होना चाहिए कि ईश्वर का प्रतिमा होता है कि नहीं होता है। विकास भाई उस पर भी आएंगे, विकास भाई मेरी तरफ गौर करें, मैं आपके पॉइंट्स का जो पीछे बात हुई उसका क्रक्स निकालने लगा हूं, उसके बाद आपका कंक्लूसिव पॉइंट आएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगर कोई प्रतिमा वगैरह की या इसकी जो प्रतिमा वगैरह की बात करनी होगी तो हम उस पर बात करेंगे, यानी अगले कॉलर्स को लेकर। तो क्रक्स मैं निकालने लगा हूं, दो चीजों में से एक चीज है डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंट होने के लिए या एज एन एविडेंस पेश होने के लिए, दो चीजें सामने हैं, ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट या ऑथेंटिक ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट, ये दो चीजें होती हैं। दोनों सूरतों में बीच में ना टोके ना प्रकाश भाई, क्रक्स निकाल रहा हूं मैं, क्रक्स निकाल रहा हूं ताकि पब्लिक को समझ आए जिनकी कंफ्यूजन हुई है या जो भी जुड़े हैं। सर, दो चीजों में बैसाखी लेके चल रहा है, बैसाखी प्लीज मत लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन पे बात मत कीजिए, कोई और बात कीजिए, ताकि बैसाखी का सहारा फिर मत लीजिए, क्योंकि आप बैसाखी का सहारा लेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे भी बैसाखी का सहारा लेके एग्जांपल आपको समझाना पड़ेगा। तो कोई और टॉपिक कर लीजिए ना, जरूरी थोड़ी इसी टॉपिक पे आपको बात कर रही है। आशु भाई सुन रहे हैं? विकास नहीं नहीं, आपको नहीं, ये आशु भाई से दूसरे भी है ना। आशु भाई आप सुन रहे हैं मुझे, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आशु भाई डॉक्यूमेंट की मिसाल किसने दी थी? सर आपने, आशु भाई पीछे जाके देख लें, और सर ये सभी देख लेगा, तभी मुझे आपने ही डॉक्यूमेंट की ना दी थी सर, तभी मुझे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की एग्जांपल देनी पड़ी। आप बाइबल, आप पहले कुरान की देने लगे थे मैंने रोका, फिर आप बाइबल की देने लगे थे मैंने रोका, फिर आपने डॉक्यूमेंट की सर, पहले मैंने बाइबल की थी सर, पहले मैंने बाइबल की थी तो आपने नहीं रोका, लेकिन जब मैंने कुरान की थी तब आपने रोका। धन्यवाद। अब आपने ये भी पीछे पब्लिक जाके देख सकती है कि आपने जब बाइबल की दी है तो मैंने आपको उतारा है, जब बाइबल की दी है तब मैंने आपको उतारा है, ये पीछे जाके लोग देख सकते हैं। विकास भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। पब्लिक पीछे जाके देख सकती है डॉक्यूमेंट की मिसाल किन्होंने दी थी, पॉइंट नंबर वन। दूसरी बात, ये मिसाल किसने दी थी कि पहले कुरान की इन्होंने दी, मैंने उनको रोका, मैंने कहा बैसाखी, फिर उन्होंने बाइबल की मिसाल दी तो मैंने फिर उनको उतार दिया था, तो मैंने उस वक्त उतार कर एक जुमला बोला था, शायद हो सकता है कईयों को याद आ जाए, मैंने बोला था, मैंने कहा एनालिस्ट साहब ये टिकर देखें, आशु साहब ऐसे कहा था मैंने, हाँ जी, एनालिस्ट साहब आप ये टिकर देखें कि नो बैसाखी, वो बाइबल पे उतारा था आपको, उसके बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट्स की मिसाल दी थी, और मैंने कहा ठीक है आप देना चाहते हैं दे दें, ठीक है। तो उस पर मैंने कहा, मैंने आपसे ये पूछा था आपके नेम का, आपका नाम विकास है क्या है, उस पर फिर ये डॉक्यूमेंट की बात शुरू हुई और आपने सारी बात रखी कि नहीं वेदास जो है वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, ये सारी बात हुई थी, ठीक है। अब मैं क्रक्स निकालने लगा हूं क्योंकि ये बोले नहीं दे रहे थे तो मैं क्रक्स निकाल देता हूं। दो चीजों में से एक चीज है, इनके जो उदाहरण था उसको सामने रखते हुए, पॉइंट नंबर वन, या सबसे ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट सामने आएगा किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए, या सबसे ऑथेंटिक आएगा, एंड गेस व्हाट, वेदास आर द ओल्डेस्ट एंड द ऑथराइज्ड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द सनातन धर्म। So both features or both attributes are in Vedas. So दोनों सूरतों में it's a catch 22 situation. So whether you choose the oldest scripture or you choose the authentic scripture, in any way you are going to end up to pick up the Vedas. So that's how it works. ये सिंपल चीज है जो मैंने आपके सामने रखी, ये क्रक्स था।
समझ गया आप मेरा भाई? तो या आपको चूज करना है ओल्डेस्ट या आपको चूज करना है ऑथेंटिक, दोनों सूरतों में वेदास ही सामने आएगा। अब ये कह रहे हैं कि जी वो बाद में इस तरह आए या वैसे आए, तो भाई उपनिषद के अंदर तो ब्रह्म का जिक्र नहीं है, ब्रह्मा का जिक्र है जिसमें चार मुंह के जरिए उन्होंने बात ब्रह्म का, ब्रह्मा का नहीं, ब्रह्म का है। हाँ वो कह रहे थे ब्रह्म, वो कह रहे थे ब्रह्म का वेदों में है। तो मैंने कहा आप खुद कह रहे हैं कि वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, वो बर्थ सर्टिफिकेट तो उससे आगे आएगा, तो उपनिषद के अंदर तो उससे आगे तो आ गया कि वो ब्रह्मा है जिससे वेद उत्पन्न हुई है। वेदास के अंदर मैंने प्रोग्राम किया अंडरस्टैंडिंग वेदास में, ओरिजिन ऑफ वेदास जो एपिसोड है उसको देखें, उसमें मैंने रेफरेंसेस दिखाए हैं कि उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के चार मुंह थे, ब्रह्मा के तो चार मुंह से एक एक वेदा उत्पन्न हुई है, और पांचवी वेदा पुराणास और इतिहासास हैं। ये श्रीमद भागवतम के अंदर भी लिखा हुआ है, महापुराण में, भागवत पुराण। पर ये सारी बात थी। अशु भाई आप कुछ कहना चाहते हैं तो आगे बढ़ेंगे, कुछ बैक साइड पे कॉलर था उनको ले लूंगा मैं। जी अशु भाई जी भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मतलब क्या था, मतलब कौन है, एक बार कोई श्रीवास्तव जी उनको ले लीजिए, फिर मैं जाता हूँ 5 मिनट। कौन है जी? श्रीवास्तव लिखा था, रुद्र श्रीवास्तव स्कॉलर था। नहीं नहीं वो कोई कोई भी नहीं है, उनमें से कोई भी नहीं है। मैं आपसे आशु जी इजाजत लेता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े, ठीक है? मैं एक बात स्टेज को पूछना, जी 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 बोले बोले। ये मतलब ये क्या कन्वर्जिंग टू मी हिंदू, ये क्या है आपका, ये नहीं समझ आ रहा था मेरे को, ये समझ ये है जी थोड़ा। कन्विंस मी टू बिकम हिंदू। मैं मौका दे रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं घर वापसी होनी चाहिए वो मुझे घर वापस कर लें, ये मैं दे रहा हूँ। ये तो मिशनरी काम करते हैं ना। हाँ तो मिशनरी है ना, आर्य समाजी मिशनरी हैं, अद्वैत वेदांता जो हैं वो मिशनरी आजकल बड़े यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, इस्कॉन वाले मिशनरी मौजूद हैं, श्री श्री रविशंकर वाले छके मिशनरी मौजूद हैं, सदगुरु साहब के मिशनरी मौजूद हैं। वो तो आप मतलब वो मुस्लिम धर्म को तो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, जितना मैं देख रहा हूँ, मैं जितना फॉलो किनको करता कर रहे हैं फिर? हूँ, तो क्रिश्चियन कर रहे हैं, हिंदू को, मतलब ये अपने अपने साथ ले रहे हैं और इसमें कन्वर्जिंग नहीं करवा रहे। कन्वर्जिंग का मतलब उनका नाम हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ वो अपने मन से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा चलो जो भी कर मैं एक रहे बात हैं। पूछना चाहता हूँ अमित भाई, जी एक बात पूछना था जी मेरे को, अगर मेरा नाम आशुतोष दुबे है, ठीक है, या आशुतोष पांडे या झा कुछ भी है, तो मैं आपके धर्म में आ सकता हूँ, क्या नाम है आपका? मतलब कुछ भी, वो A to Z कोई भी, आशुतोष, विवेक, दुबे, पांडे, कोई जी भी जी नाम जी ले जी लीजिए। मेरे मेहमान हाँ हैं आप, मेरे मेरे मेहमान हैं, मेरे तो मैं गेस्ट होंगे आप, जरूर हैं। इस नाम से मैं मुस्लिम धर्म कन्वर्ट हो सकता हूँ। इस नाम से नाम आप कोई बताए ना मुझे, आपने अभी कहा कि मैं घर आने की बात, तो मैंने कहा वेलकम है कोई भी नाम हो। अभी आप कह रहे हैं मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होना, तो उसमें मुझे नाम बताएं कोई नाम, क्योंकि मुस्लिम धर्म में ऐसे नाम को स्वीकार नहीं किया जाता जिस नाम के अंदर शिर्क हो। हम एक ईश्वर की उपासना करते हैं, हम नाम के अंदर भी अपने बच्चों का या अपने लोगों का ऐसा नाम भी नहीं रखते जिसके अंदर उसका अपमान हो, एक ईश्वर का, बस ये जी फर्क है। मैं, अगर मान लीजिए मेरा मेरा नाम विवेक, जो नाम इसके पहले था विवेक पांडे, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, आप उसको रख उसी के को मुसलमान हो आप, सकते हैं। हाँ यही बात मैं पूछ रहा हूँ, मान लीजिए हाँ उसको रख सकते हैं, विवेक रख सकते हैं, ठीक है। विवेक बड़ा प्यारा मतलब नाम है, कौन सा नाम नहीं रख सकते हैं। जिस तरह अशिर्क है, जैसे क्या उसको कहना चाहिए, क्या नाम है यार, जैसे राम क्या नाम हो मोहन सकता ये सब, राम है? श्याम नहीं राम, ये सब, राम नाम अगर किसी का राम नाम है, यानी शिर्क उसके अंदर हो, ठीक है, रामदास समझ लें, रामदास, ठीक है ना, कृष्ण मतलब दास, राम दास का मतलब क्या होता है, मतलब अच्छा उनका दास दास, अच्छा स्लेव, हाँ उनका दास, यानी रामदास कृष्ण दास ये नाम नहीं हो सकते, ये राम ठीक हो है? हाँ सकता है ना। राम, राम नाम तो बुरा नहीं है ना, राम नाम में कोई शिर्क नहीं है। हाँ वैसे ये कोई स्कॉलर हैं उनसे ज्यादा बेहतर उनको पता चलना चाहिए, मेरी राय में राम अगर किसी का नाम है तो ये शिर्किया नाम तो नहीं है राम, यानी शिर्क तो तब हो जब नाम में, यानी जैसे ये रामदास है, ये कृष्ण दास है, ठीक है, हाँ नीचे किसी ने लिखा शिव चरण है, सूर्या नाम या सूरज नाम ये भी गलत नहीं है। हाँ अगर सूरज भक्त या सूरज दास हो तो ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मुसलमानों में एक नाम है आफ्ताब, आफ्ताब जो है हाँ
वो सूरज को ही कहते हैं, तो सूर्या नाम या सूरज नाम ये शिर्क नहीं है। अच्छा, मतलब ये कह रहा हूं मैं, जो हिंदू नाम है उसको रख के भी आप मुसलमान हो सकते हैं, यही ना? जी, यार ये जो सहाबा थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इनमें से मेजोरिटी के नाम कब चेंज हुए थे? हजरत उमर का नाम इस्लाम से पहले भी उमर ही था, ठीक है? अच्छा, तो इसीलिए अब मतलब आप तो पाकिस्तान से ही हैं ना, जी, उधर मतलब ज्यादा लोग चौधरी जाट ये सब लगाते हैं, हमारे इधर भी लगाते हैं, मतलब ये वो बस नाम रख ऐसी चीजें सकते हैं। चले हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, वो ऐसे इधर उधर की बातें हैं, छोड़ें। चौधरी जाट कुछ भी नहीं होता, गरम होता है, असल चीज गरम है। ठीक है मेरे भाई, ओके अशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा प्यारा भाई, थैंक यू। जैसे खालिद थे, हजरत अली थे, हजरत उमर थे, हजरत अली ने तो कुफर में कभी भी नहीं होश संभाली, वो तो शुरू से ही ईमान ले आए थे। जैसे हजरत उमर थे, खालिद बिन वलीद थे, और बहुत लोग हैं, क्योंकि हजरत बिलाल थे, हजरत हमजा थे, तो ये वो नाम है जो उनके इस्लाम से पहले भी थे। आप देखें, एक नाम है मिसाल के तौर पे हजरत अबू हुरैरा रदीला तलानों का नाम था अब्दुशम्स, अब्दुशम्स यानी सूर्या का दास, सूर्या का बंदा, उनका नाम था अब्दुशम्स। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अब्दुर्रहमान रख दिया था, तो हजरत अबू हुरैरा का नाम चेंज किया। तो नाम बाद औकात चेंज करना उसमें कोई कबाहत नहीं है, वो कर दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ नवाशरी करके कोई है, पटेल जी। हाँ सर, सर मैंने ब्रह्मा विष्णु का, हाँ हेलो सर, मैं बोलना भूल गई। जी, हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? यस सर, आपको मैंने बड़ा बड़ा आपको जो स्वागत किया वीडियो जाता है। देखा, हाँ जी, हेलो मैंने कहा आपका सर, बड़ा मेरे को स्वागत आप किया जाता है। कहाँ पे कहाँ पे? ठठे खूह थे, ये पता है, ये बड़ी जबरदस्त जगह है, जाइएगा कभी, ठठे खूह। यार, क्या यार, जी, ये बड़ी जबरदस्त जगह है एक, इसको इसका जो ज्यादा मशहूर नाम है उसको कहते हैं ठठा खूह, ठठा खूह। जी, सही कह रहा हूँ, इसमें कभी जाइएगा, बड़ी मजे की जगह है और आनंद आएगा आपको बड़ा। जी आगे बढ़ते हैं, हुक्म। ब्रह्मा एंड विष्णु का टॉपिक चल रहा था, मैंने वो सुना तो मुझे उस पर बात करनी थी। सर आपने जो कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ वेदास जो वीडियो है ना, उसमें आप जी, ने एक्सप्लेन किया था अबाउट आदित्य एंड रुद्रस। तो आदित्य को आपने बोला था सन, ये सूरज को आदित्य बोलते हैं। तो आदित्य से हमने भगवत गीता में लिखा है कि अमंग आदित्य आयन विष्णु, ऐसे कृष्णा ने बोला है। तो आदित्य मतलब सूरज को बोलते हैं, मतलब विष्णु मतलब कोई सूरज होगा ना। अच्छा दिस इज माई हो गया। इंटरप्रिटेशन। एंड रुद्रास, रुद्रास का आपने बोला नहीं था वॉट वॉट इज दैट मीनिंग, तो मुझे रुद्रास मालूम नहीं। मतलब भगवद गीता में बोला है अमंग द रुद्रास आई एम शिवा या शंकर ऐसा कुछ बोला है, तो रुद्रास का मीनिंग अभी तक मैं आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। वो टॉपिक, आपका माइक से शोर आ रहा है, आवाज जो है ना खराब हो रही है, थोड़ा सा आप रिज्वाइन कर लें। ठीक है, ठीक है, ओके ओके रिज्वाइन ओके कर लें। हाँ मैं आपका वेट करता हूँ, आप जल्दी से रिज्वाइन कर लें, जगह मौजूद है, ठीक है, जल्दी आ जाए। ओके सर, ओके, ताकि आवाज आए, फिर इस पे बात करते हैं। ले दोस्तों, उतनी देर तक आप कुछ सुनना चाहते हैं तो आप सुने कि एक्स मुस्लिम्स की रिसर्च कैसे होती है। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट के अंदर आया, ठीक है जी, ये सुने दोस्तों। केवल सुपर चैट सपोर्ट सहयोग ही नहीं, बल्कि जब हमारे कंटेंट के रेफरेंस खुलते हैं ना, तो सर वो व्यूअरशिप भी तभी जाती है, वहां भी हमारा ही कंट्रीब्यूशन है। वो उसका रेफरेंस क्या है? मैं जैसा कि बोला, जब भी ये स्ट्रीम करता था पहले मेरे से पूछता था रेफरेंस दे दो, कुछ भी दे दो। अंब का तो पता नहीं था इस बच्चे को। मेरी और तुम्हारी वीडियोस अभी लोगों को पता लगेगा कि हमने छोड़ा क्यों था, सब पता लगेगा। उसका बेस रेफरेंस दे रहा हूं कि इस बंदे को अंब का नॉलेज नहीं था, और जब इसने चेहरा रिवील किया था तो इसके इलाके के जो हैं वो मौलवी, उन्होंने वीडियो बनाई थी कि ये तो मस्जिद ही कभी कभी आता था साला। जब ये बहुत सख्त बीमार हो गया तब हम इसे लेके आए थे, खुदकुशी की कोशिश कर रहा था बीमार होके, इसको हम लेके आए थे, इसको हमने पढ़ाया लिखाया, इसको हमने बिठाया,
तो महीने के दो महीने मुझे भूल गया है, वो वीडियो देख ले जिसने भी जाके देखनी है, इसी के इलाके के मौलवियों ने बनाई थी जब इसने अपना नया नया फेस दिखाया था। उन्होंने कहा था कौन सा ये जा रहा था, कौन सी जगह पे जाके तबलीगी काम कर रहा था, बोंगा इंसान, जिंदगी में एक दफा हमारे साथ चला भी गया था, क्यों, क्योंकि खुदकुशी करने की कोशिश करता, ऑल इररेलेवेंट, मुझे नहीं परवाह यार तू क्या था क्या नहीं था, ये अपने को झूठ ना बोल, लेना देना नहीं है, झूठ ना बोल। ये देखें जी, इसके सारा सेक्स मुस्लिम हूं, जब तेरे बच्चे भी पैदा नहीं हुए होंगे, जब तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ होगा, और मुझे तूने बैक स्टेज में बैठ करके साले एक दिन कुछ नहीं बताया, क्योंकि तू एक दिन भी मेरे साथ जो है ना बैक स्टेज में बैठा ही नहीं है, तू एक दिन भी बैठा हुआ मेरे साथ, मेरे को सिखाएगा, तू मेरे को सिखाएगा इस्लाम क्या है, मैं पढ़ लिख करके तबलीगी जमात से निकल कर मूवमेंट को मूवमेंट बनाया गया था। कैसे? मुन्ना के चैनल पर जाकर उसको सपोर्ट किया, चला यार चैनल, तुझे इतना नहीं पता, मैं तुझे बता रहा हूं, तेरा चैनल भी चल रहा है, ये एक मुन्ना चल रहा है, एक्स मुस्लिम समीर का चैनल चलाया था, एक्स मुस्लिम फैजू का चैनल चलाया था, हकूक का चैनल चलाया था, क्या वो तो अभी एकदम फर्स्ट टाइम स्ट्रीम की थी, लड़ाइयां इन्होंने डाल दी मुन्ना वगैरह ने, उसका क्या चैनल बेचारी का चलाना था, वो तो चलाते ही उड़ा दिया था। हम लोगों ने व्हाट वी डिड इज कि हर एक्स मुस्लिम को सपोर्ट किया, पुश किया, क्योंकि दो चैनल या तीन चैनल चैनल नहीं होते, मूवमेंट नहीं होती, इसको मूवमेंट बनाया था बाय पुशिंग ईच एंड एवरी चैनल कि आओ यार, और तुम्हारे पास इतना डाटा नहीं है, ठीक है, हर मुसलमान जो कि इस्लाम छोड़ता है उसके पास इतना डाटा नहीं होता, हम तुम्हारे चैनल पे जाते हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, अपना टाइम तुम्हारे चैनल पे देते हैं ताकि तुम्हारा चैनल चले, लोगों को नजर आए एक्स मुस्लिम्स हैं। मुझे पता था कि अपने ही लोग मुझे ही जज करेंगे अगर मैं ऐसा कुछ बोला, ये कहेंगे कि तुम एक्स मुस्लिम मूवमेंट को तोड़ना चाह रहे हो, जबकि डे वन से अगर एक्स मुस्लिम मूवमेंट को जोड़ने की बात करने वाला कोई है तो वो मैं हूं, और मुझे फख्र है इस बात का कि मैं हूं, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करने वाला मैं हूं, लोगों को जोड़ने वाला मैं हूं, लोगों को यूनाइट करने वाला, एक्स मुस्लिम को फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करने वाला, एक्स मुस्लिम के चैनल को प्रमोट करने वाला, उनके चैनल पर जाकर कंटेंट बनाने वाला, उनके चैनल पर अपना टाइम देने वाला मैं हूं। मैं एडम और साहिल सिर्फ उसके उसकी स्ट्रीम पर जाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, जो उनकी स्ट्रीम में आते हैं। एडम और साहिल किसी को एक रुपए की फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन नहीं करते आज तक, किसी भी एक एक्स मुस्लिम को इन लोगों ने एक रुपए का भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। ये मैं था और मुझे तुम लोग जज करोगे? एक आदमी जो दूसरे किसी बिलीफ में है वो बैठकर तुम्हारे गॉडेस को गालियां दे, तुम लोगों को कन्वर्ट करे, तुम लोग उसको सपोर्ट करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक आदमी जो तुम्हारा बन गया, दिल से बन गया, अपनी मर्जी से बन गया, और जिसने एक साल से जो है सनातन को एक्सेप्ट किया और कभी ये नहीं बोला एक बार भी कि भाई मैं सनातनी बना हूं तो मुझे सपोर्ट करो, कभी नहीं बोला, एक सिंगल स्ट्रीम मेरी आप उठा करके मुझे दिखा दो कि मैंने बोला कि भाई मैं सनातनी हूं तो मुझे सपोर्ट करो, एक दिन नहीं बोला, तो मुझे आकर के कुछ खूतिए किस्म के लोग बोल रहे हैं ये हिंदू नहीं है, ये मोमिन है, ये लोगों को लड़ा रहा है। अरे भाई, मैं ऐसे आदमी के खिलाफ क्यों कोई प्रोपोगेंडा करूंगा अटेंशन लेने के लिए, जो आदमी मुझसे नीचे है, उसने खुद बोला है अपनी, उसने खुद बोला है ना अपनी स्ट्रीम में कि भाई मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो समीर से कम आता है, समीर से कम आता है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, ये उसने माना। दूसरी बात उसने ये मानी कि मेरे सब्सक्राइबर समीर से कम है, डेफिनेटली, जो कि है भी, उसकी व्यूअरशिप मेरे से कम है, उसकी रीच मेरे से कम है। तो अगर कोई किसी के खिलाफ प्रोपोगंडा करेगा, पब्लिसिटी स्टंट करेगा, तो अपने से नीचे वाले के खिलाफ करेगा कि अपने से ऊपर वाले के खिलाफ करेगा भाई? है What the heck, मतलब क्या कुछ भी आप लोग, भाई आप देख लो, आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ ज्यादा है, सब्सक्राइबर मेरे साथ ज्यादा है, एडम साहब के पास नहीं है, और वो कहते हैं कि भाई मेरे दो चैनल हैं, उन मेरे दो चैनल से इनकम आती है। अबे होती है, मेरा जो दूसरा चैनल है वो ये है जिस पे स्ट्रीम कर रहा हूं, ये दूसरी स्ट्रीम है इस पर, वो कह रहे दोनों चैनल पे स्ट्रीम करता है, मेरा ये चैनल आपके सामने है, ये दूसरी स्ट्रीम है जो मैंने। जी क्या कहिएगा जनाब, क्या ही कहिएगा, क्या ही कहिएगा।
दंगल इस चीज पर लगा है कि कौन कितना बड़ा झोपड़ी का है, और इस पर दंगल लग गया। मैं सनातनियों, जब दुनिया के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए इस तरह के कुत्ते लड़ते हैं तो फिर इसी किस्म की बातें निकलती हैं। और मुसलमानों को देखो, मुसलमान कहता है मैंने अल्लाह के लिए किया है, मुसलमान कहता है कोई भी ना हो मैं अकेला बात करूंगा फिर क्या है, मुसलमान कहता है दुनिया सारी खिलाफ हो जाए फिर भी वही कहूंगा जिसे हक समझता हूं। यह है मुसलमान का जिगरा जी। और ये कहते हैं जी मैनू नोट वहा मेरा मूड बने, एक एक ठुमके पर 5,000 का नोट भी तो गिराओ ना। मोदी ने फड़ के डिमोनेटाइज कर दिया, उन्होंने कहा बाढ़ में जाए जनता अपना काम बनता। अच्छा जी, राजू चे जी हमारे साथ था जी भैया। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। मुसलमान भाई हैं भैया आप हमारे, तो फिर आपसे आज्ञा लेते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई, दुआओं में याद रखिएगा। जी जी राजू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉलर है, देखते हैं अगर वो हमारे मुसलमान भाई नहीं सनातनी भाई। ब्लास्टर गून, कैसे हैं ब्लास्टर भाई? हेलो। हाँ भाई, अच्छा हूँ। मैं आया था एक बार पहले स्ट्रीम पर। जी जी, आप एक बार मेरे ख्याल से पहले आए थे। धन्यवाद आपका जनाब, आपका स्वागत करते हैं, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान भाई आप? नहीं नहीं, मैं बीस्ट हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ कि मुसलमान नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तो हम सनातनी दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप तो डीस निकल आए हैं, तो आप सनातनी भी नहीं है, तो फिर ऐसे करते हैं आपसे इजाजत लेते हैं भाई। एक बार मतलब स्ट्रीम पे मतलब एक क्वेश्चंस पूछने को, तो मतलब नॉन मुस्लिम्स के लिए था, तो मैं इसलिए ज्वाइन किया हूं। अच्छा, नॉन मुस्लिम के लिए तो है, मगर ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है ना, ये नॉन मुस्लिम सनातनी के लिए है, क्योंकि उनके धर्म के बारे में जानकारी ले रहे हैं ना, तो आप तो डीस हैं, ठीक है ना मेरा भाई? थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं आज ही, क्योंकि पिछले वेडनेसडे को स्ट्रीम हमारी ऑलमोस्ट 5.5 घंटे की रही थी। आज थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं, जल्दी ब्रेक लेते हैं। आप भी अच्छे से सोएं, नहाएं, धोएं, फ्रेश हों, खुश रहें, सलामत रहें, अपना ख्याल रखें। मेरा इरादा यही था कि 3 घंटे की मैं स्ट्रीम करूंगा, क्योंकि वेडनेसडे को 3 घंटे का हमारा कोटा होता है, तो वो पिछली स्ट्रीम की वजह से 3 घंटे तो मैं खुद ही बोलता रहा है जी, तो बाद में मुझे पता चला कि 3 घंटे तो मैं खुद ही बोलता रहा हूँ, तो 3 घंटे के बाद आप लोगों को भी तो कुछ टाइम देना था, तो वो फिर करते करते 5.5 घंटे की स्ट्रीम पिछले वेडनेसडे को हो गई। नॉर्मली वेडनेसडे को हम 3 घंटे रखते हैं, 3 घंटे की, तो आज की स्ट्रीम जो है वो फिर हमने 3.5 घंटे की कर ली है। दोस्तों अपना ख्याल रखें, आपने गलती कुताही माफ करनी है। आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा सुनते जाइए। आज भी हमने पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश, किसी तरीके से सनातन धर्म के बारे में कोई बात समझ आ जाए। मैं पूरी ऑनेस्टी, पूरी सिंसियरिटी और पूरे सत्य के साथ आपको बात कर रहा हूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। कोई कहता है दाएं मुड़ो, कोई कहता है बाएं मुड़ो, कोई कहता है सीधे लेट जाओ, कोई कहता है उल्टा लेट जाओ, कोई कहता है सर के बल आओ, कोनो कहता है घुटने के बल चल के आओ, कोनो कहता है यूं करके मुंडी घुमा के चक्कर लगाओ तो तुम्हार प्रार्थना को स्वीकार करूंगा, तो कोनो बोलता है मुझ पर दूध चढ़ाओ, कोनो बोलता है मेरे को हल्दी लगाओ, तो कोनो बोलता है सादा ठंडा पानी डालो। कंफ्यूज आ गया हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, कंफ्यूज आ गया हूं। और आखिर में ये कहता हूं, तारों का मुसाफिर नमाजी ना काफिर, सैया ये बता दे कहाँ हूं मैं आखिर।
ओ सनातनी कैसी है तेरी आंख मचोली, मुझे घर ले जा हम झोली, दिल दर बदर मेरा दिल दर बदर, दिल दर बदर मेरा दिल दर बदर। टेक केयर जी, मिलते हैं अगले प्रोग्राम।